क्वेश्चन इज हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई, कि आपके जो एरोप्लेन्स हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं. तो एरोप्लेन का जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो लाए करता है आपकी बर्नौलीज थ्योरम में, है ना. बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है कि आपकी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी एक लिक्विड के लिए, जो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस के लिए हमेशा इनका सम रहेगा कांस्टेंट. या दूसरे टर्म्स में बोलूं कि पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का जो सम है वो हमेशा होगा कांस्टेंट. मतलब क्या है इसका कि अगर आपकी कहीं पर वेलोसिटी वैल्यू कम है तो साइमल्टेनियसली वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम, है ना. कैसे है ये कि 2 प्लस 5 भी क्या होगा 7 और 5 प्लस 2 भी क्या होगा 7, ठीक है. तो अगर एक वैल्यू कम है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा. और अगर आपकी वेलोसिटी वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा, तो साइमल्टेनियसली वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम. अब होता क्या है कि जब आपका एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है तो वहां पर क्या होना चाहिए कि एरोप्लेन के वेट को कैरी करने के लिए, क्योंकि वेट किधर एक्ट करेगा इस एरोप्लेन का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना. इसको कैरी करने के लिए एक क्या काम करना चाहिए, अप थ्रस्ट, जो किधर काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. अब ये अप थ्रस्ट उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये अप थ्रस्ट उसको प्रोवाइड करेगा प्रेशर डिफरेंस जो इन विंग्स के ऊपर और नीचे काम कर रहा है, ठीक है. तो एरोप्लेन के जो विंग्स हैं जब वो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं तो उसमें कंडीशन होती है कि आपकी वेलोसिटी अबव द विंग्स जो है वो होती है हायर, ठीक है. वेलोसिटी अबव द विंग्स कैसी होती है, हायर. और हायर वेलोसिटी होने की वजह से प्रेशर कैसा होता है, कम. तो अपवर्ड तो प्रेशर है कम, लेकिन एयर मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना ज्यादा वेलोसिटी ना होने की वजह से होगा क्या, वेलोसिटी होगी कैसी आपकी, नीचे की तरफ कम और प्रेशर होगा ज्यादा. तो नीचे है हाई प्रेशर, ऊपर है लो प्रेशर, ठीक है. आपके प्लेन की या किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो मूव करे फ्रॉम लो प्रेशर कंडीशन टू हाई प्रेशर कंडीशन. तो जब भी ये प्रेशर डिफरेंस इतना क्रिएट हो जाएगा कि आपका अपथ्रस्ट इस एरोप्लेन के वेट को कैरी कर ले तो आपका एरोप्लेन हवा के अंदर उड़ने लगेगा, ठीक है. तो ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर जनरेट करता है आपका अपथ्रस्ट, जो कि नेसेसरी है एरोप्लेन के वेट को कैरी करने के लिए.